नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री भगवती क्राफ्ट्स में। आज हम कार्डबोर्ड शीट से और घर में रखे हुए कपड़ों से ये सुंदर सा लॉन्ड्री बॉक्स या फिर स्टोरेज बैग बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये कार्डबोर्ड शीट थी। सपोर्ट देने के लिए मैंने अंदर से इसमें टेप की हेल्प से ये जोड़ लगा दिया है। यहाँ पे मैंने सिंगल जो है वो कार्डबोर्ड शीट लिया है एक तरफ के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा मजबूती के लिए दो या तीन एक साथ चिपका के भी बना सकते हैं, वो काफ़ी मजबूत होगा। 15 इंच इसकी लेंथ है, वेट इसकी 10.5 इंच है। ऐसे मैंने 4 पीस ले लिए हैं। मेरे पास कार्डबोर्ड कम थे। आप साइज जो है अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये 10.10 इंच का मैंने स्क्वायर पीस ले लिया है। और देखिए, इतना हमें फैब्रिक लेना है कि चारों तरफ से मार्जिन रह जाए। करीबन आप हाफ हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लीजिएगा या एक इंच का कम से कम। और ये मैंने एक और जो है फैब्रिक ले लिया है इसके चारों तरफ, जो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच और इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 17 इंच के करीबन। देखिए, ऊपर और नीचे करीबन हमने एक एक इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो ये कार्डबोर्ड शीट जो है इस तरीके से लगेगी। बीच में है हमारा करीबन हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप आएगा। दोनों जो कार्डबोर्ड शीट है एकदम हमें बिल्कुल बराबर करके नहीं लगानी है। बीच में देखिए हाफ इंच का, सॉरी हाफ सेंटीमीटर का गैप जरूर आना चाहिए। तो चारों कार्डबोर्ड शीट हमें इस तरीके से रखनी है। आप चाहे तो कोई पुराना दुपट्टा या साड़ी का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का हो तो ज़्यादा बड़ी बड़ी। तो देखिए दोस्तों, मैंने लाइनिंग की जगह यहाँ पर राइस बैग की शीट का यूज़ किया है। बिल्कुल हल्का है ये, राइस बैग की तरह कड़क नहीं है। तो इस शीट का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो लाइनिंग के लिए सूट दुपट्टा या पुराना कोई हो उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जितना हमने मेन फैब्रिक लिया है उतना ही हमें ये पीस कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हमें इस पीस को लाइनिंग वाले पीस के साथ इस तरीके से रखना है कि जो ये बॉर्डर वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। चाहे तो सीविंग मशीन से लगा लीजिए या फिर हाथ से ही लगा लीजिए। तो देखिए, हमने ये बॉर्डर और लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। अब हमने साइड पर भी स्टिच लगा लेनी है। इसे सीधी साइड को टर्न कर लेंगे। अब ये बोर्ड हम डालने से पहले यहाँ पर करीबन हाफ इंच की हम हाफ या वन इंच की हम मार्जिन देके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने फर्स्ट सीट जो है इसके अंदर डाली है। अब फर्स्ट सीट जो हमने कार्डबोर्ड शीट डाली है उसके एकदम साथ में हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम सेकंड वाली शीट डाल देंगे
और इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। तो देखिए सेकंड शीट के किनारे पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें चारों के चारों शीट जो है इसके साथ लगा लेनी है और साथ में सिलते जाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने चारों शीट आपस में स्टिच कर ली। अब देखिए साइड में हमने करीबन मार्जिन दिया है जो उसको भी हम जो फोर्थ शीट है और जो फर्स्ट शीट का किनारा है इसे भी आपस में हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। तो देखिए दोस्तों ये शीट के अकॉर्डिंग हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक कटिंग कर लेना है। बेस वाली ये शीट है तो मेरे पास कार्डबोर्ड शीट की कमी थी इसलिए मैं सिंगल पीस ले रही हूँ। आप चाहे तो दो या तीन पीस एक साथ ले सकते हैं और इसको चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों बेस वाली शीट भी हमने तैयार कर ली है। अब हम ये देखिए बेस वाली शीट का कॉर्नर और जो हमने फोर शीट वाला हिस्सा बनाया है इसे हम इस तरीके से रखेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर हमें मिलाना है और हाथ की सुई में डबल या ट्रिपल थ्रेड डाल के इसको हमें चारों तरफ से बेस के साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने बेस के साथ से स्टिच कर दिया है। अब इसके किनारों की हमें फिनिशिंग करनी है। इस तरीके से हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी हम हाथ की सुई से अच्छे से किनारों की फिनिशिंग कर देंगे चारों तरफ से। तो देखिए दोस्तों हमारा बेस भी मैंने फिनिश कर लिया है। यहाँ तक हमारा ये लॉन्ड्री बॉक्स या स्टोरेज बॉक्स बनके तैयार हो गया है। ये 11x11 इंच का हमने कार्डबोर्ड शीट लिया और देखिए फैब्रिक मैंने इस तरीके से लिया है कि चारों तरफ स्टिचिंग मार्जिन जरूर छूट जाए। अब हम लाइनिंग लेंगे और इस तरीके से तीनों साइड से स्टिच लगा लेंगे। ऐसे आप मार्क लगा लीजिए और सीविंग मशीन से या हाथ की सुई से स्टिच लगा दीजिए तीन साइड पे। तो देखिए हमने तीनों साइड पे स्टिच लगाने के बाद इससे पहले सीधा किया है फैब्रिक को, उसके बाद इसके अंदर हमने कार्डबोर्ड शीट डाली और इसके बाद हम फोर्थ साइड की भी इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये फ्लैप भी तैयार कर लिया। इसके बाद हम ये फैब्रिक लेंगे जिसे कि हम हैंडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें टोटल तीन हैंडल हमने यूज़ किए हैं। इसकी लेंथ मैंने करीबन 9 इंच ले ली है, चौड़ाई इसकी 4 इंच है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने हैंडल पर स्टिच लगा लिया है। अब इसको हम लॉन्ड्री बॉक्स के एक साइड पे और दूसरे को दूसरी साइड पे स्टिच कर लेंगे। हाथ की सुई में ट्रिपल या 4 टाइम थ्रेड डाल लीजिए और ऐसे हम स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों लॉन्ड्री बॉक्स के दोनों साइड पे मैंने हैंडल स्टिच कर लिए हैं। तो देखिए थर्ड हैंडल जो है हम इसके फ्लैप के ऊपरी हिस्से पे एकदम सेंटर पे लगा देंगे। दोनों साइड से यूं स्टिच करेंगे, यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे लॉन्ड्री बॉक्स बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको इसी तरीके के DIY वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा।
और बहुत बहुत शुक्रिया।